मेरा मुंह मत खोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है, अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। शान उठ जाओ बेटा, कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा रहे। मामा प्लीज सोने दे, सारी रात का जागा हूं मैं। क्यों? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्यों, ऐसा क्या कर लिया था जो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? आप जाएं प्लीज, मुझे सोने दे। तुम सोते ही रह जाना और उसके साथ साथ तुम्हारा नसीब भी सो जाएगा। उठो जाके एडमिशन करवाओ कॉलेज में। करवा लूंगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? माँ हूं तुम्हारी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं करवा लूंगा एडमिशन का काम, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है ना। आप जाके आराम करो और मुझे भी आराम करने दे। जैसा बाप वैसा ही बेटा। अरे बेटा भी तुम पे क्या है, एकदम सुस्त और निकम्मा। किससे कह रही हो तुम? जानती भी हो किससे क्या बात कर रही हो तुम? सारी जिंदगी अपने पैसों पे तुम्हें अयाशी करवाई है मैंने, अभी चंद साल हुए इन हालात को, तुम दूसरों के सामने जलील करोगी मुझे? सब क्या कह दिया मैंने? हाँ, उससे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहा करो, समझ आइए बेऔकात आदमी। नून चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें? तुमने भाभी के सामने मुझे बेइज्जत किया है। तो तुम्हारी कौन सी इज्जत है? तुम तो पहले जलील हो उन लोगों की नजरों में। नूर जिब्रान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अभी शहरयार को बताती हूँ मैं।